गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 24, दी कॉम्प्लीमेंट. इसका शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे SVC. यस्टरडे हमने देखा था SVO. SVO का मीनिंग है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमें देखना है सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? The word used after the verb to complete the sense of the sentence is known as the complement. ऐसा word जो sentence के end में लिखा जाता है उसे हम complement से जानते हैं. हमने अब तक ऐसा sentence देखा है जिसमें object का use होता है. तो कहीं कहीं बार हमारे sentence में object नहीं आता, तो object के instead of हमें क्या लगाना है? तो complement. Read the following. Father is The baby sings. Both sentences above do not make sense. They will make sense only if you add words to complete the sense. यहाँ हमें two words दिए गए. First, father is, यानी कि father हमारा subject है, is हमारा यहाँ पे verb है. Second sentence में the baby sings, तो इसमें the baby है वो subject है. And seems यानी कि लग रही है, तो वो है यहाँ पे verb. तो दोनों सेंटेंस कैसे लगते हैं यहाँ पे? हमें इनकम्प्लीट लगते हैं. तो इसको कम्प्लीट करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना है. तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो जो हमारे सब्जेक्ट में मोर इन्फॉर्मेशन देता है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट. जैसे कि फादर इज़, तो फादर क्या है यहाँ पे? तो फादर इज़ आपको आंसर दिया गया है अ डॉक्टर. फादर के बारे में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट. सेकंड सेंटेंस, द बेबी सीम्स हंगरी. यहाँ पे बेबी सीम्स, बेबी क्या हो गई? तो वो हंगरी हो गई. तो ये हंगरी किसके बारे में कहा गया है? सब्जेक्ट के फॉर्म में. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है दी बेबी. तो दोनों सेंटेंस में हमें देखने मिलता है कि जो भी सब्जेक्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसे कहते हैं हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट. ओके, फोर्थ रूल से आपका, द वर्ड्स अ डॉक्टर एंड हंगरी आर कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे जो आपको डॉक्टर एंड हंगरी दोनों जो वर्ड दिए गए हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कह के बुलाते हैं. उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिया गया है. फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी. ऑब्जेक्ट नहीं होते तो भी हमारा सेंटेंस है वो कॉम्प्लीमेंट होता है. कैसे? कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करने से. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, रामू बिकेम अ लॉयर. तो ये बात किसके बारे में कही गई है? तो सब्जेक्ट के बारे में. रामू बिकेम अ लॉयर. रामू है वो लॉयर बन गया है. ठीक है, तो रामू के बारे में सब्जेक्ट के फॉर्म में कहा गया है इसलिए उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट. सेकंड सेंटेंस, द टाउन वॉज कोल्ड. बिलासपुर. तो इसमें आप देख रहे हो द टाउन, तो ये है सब्जेक्ट. ओके, सिटी, तो ये सब्जेक्ट हो गया. वॉज कॉल, उसको हम कह के बुलाते हैं. तो वॉज यहाँ पे हमारा प्राइमरी वर्ब है और कॉल है वो हमारा मेन वर्ब है. और लास्ट में है बिलासपुर. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट. कैसे? तो ये टाउन के बारे में ही कहा गया है. ठीक है, यहाँ द टाउन वॉज कॉल्ड बिलासपुर. तो टाउन है उसे हम बिलासपुर कह के बुलाते. तो सब्जेक्ट के फॉर्म में बिलासपुर यूज़ किया गया है इसलिए वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट सेंटेंस इसमें देखते हैं, द एनिमल वॉज फ्राइटनिंग. तो इसमें आप देख रहे हो द एनिमल वॉज एंड फ्राइटनिंग. तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे हो गया है, द एनिमल है वो सब्जेक्ट है, वॉज है वो आपका प्राइमरी वर्ब है,
एंड फ्राइटनिंग है कॉम्प्लीमेंट। एनिमल कैसा दिखता है? तो एनिमल आपको फ्राइटनिंग यानी कि डरा हुआ, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में फ्राइटनिंग यूज़ किया गया है, इसलिए ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें आपको दोनों का डिफरेंस समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ बात की गई होती है, उसके बारे में ही कहा गया होता है, इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म से जानते हैं। अ सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट इज सेड टू हैव द एसवीसी स्ट्रक्चर। यहाँ आपको कहा गया है कि जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है, उसे हम एसवीसी स्ट्रक्चर से जानते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एस वी एंड सी, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एंड सी का मीनिंग हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो इसके फॉर्म में आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, जो हमें यहाँ जो भी टेबल दिया गया है उसमें हमें डिवाइड करना है कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे हम समझते जाइए और हमें इसमें डिवाइड भी करना है। आपकी थ्री फॉर्म में सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे थ्री कॉलम दी गई है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड दिया गया है वर्ब एंड लास्ट कॉम्प्लीमेंट। अब फर्स्ट सेंटेंस हम पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द कॉलम्स बिलो डिवाइडिंग देम इनटू सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ आपको ये कॉलम में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आपको कॉलम में नीचे आपको डिवाइड करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट के जो कॉलम है उसमें। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मिस्टर राज इज फेमस। तो फर्स्ट किसके बारे में बात की गई है? मिस्टर राज के बारे में बात की गई है। तो ये हो गए मिस्टर राज आपका सब्जेक्ट। उनके साथ वर्ब यूज़ किया गया है यहाँ पे इज। अब मिस्टर शाह कैसे है? तो वो बहुत फेमस है, तो उनके बारे में कहा गया, इसलिए फेमस हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये था फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, The baby fell asleep. Baby है वो sleep fell हुई है, तो यहाँ पे subject हो गया the baby. Baby के बारे में बात की गई है। Fell ये है main verb और asleep वो हो गया compliment. Third, रोवर इज अ डॉग। ठीक है, रोवर इज अ डॉग, तो रोवर डॉग है, तो रोवर यहाँ पे नेम वो है सब्जेक्ट। रोवर किसका नेम है? डॉग का नेम है। इज वो है आपका वर्ब, अ डॉग वो है कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ सेंटेंस, The lake appears deep. तो फर्स्ट लेक की बात की गई है, तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट में। Appears यानी कि दिखना, वो हो गया मेन वर्ब। कैसा दिखता है लेक? तो उसके बारे में कहा गया है डीप, तो ये है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, The children fell silent. चिल्ड्रन है वो बहुत ही साइलेंट पड़े हुए हैं, तो फर्स्ट इसमें बात है चिल्ड्रन की, द चिल्ड्रन पड़े हुए हैं, तो पड़े हुए वो फेल वर्ब है। ओके, कैसे? तो साइलेंट, चिल्ड्रन की बात है इसमें साइलेंट में, तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। सिक्स्थ सेंटेंस, The apple tasted sweet. Apple का टेस्ट कैसा है? Sweet. Sweet है वो apple के बारे में, subject के बारे में information दी गई है, तो वो हो जाता है compliment. The apples
tasted sweet. टेस्ट यानी कि चखना, तो वो हो गया वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस देखते हैं. द फ्लावर स्मेल्ट वंडरफुल. फ्लावर की बात की गई कि उसकी स्मेल आ रही है, कैसी आ रही है, तो वंडरफुल, तो उसके बारे में कहा गया है कि फ्लावर बहुत ही वंडरफुल स्मेल कर रहे हैं. तो द फ्लावर के बारे में बात है इसलिए वो है सब्जेक्ट. वो क्या करता है फ्लावर, तो स्मेल्ट, स्मेल का यहाँ पे पास्ट हो जाता है स्मेल्ट. कैसी स्मेल उसकी, तो वंडरफुल, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे आपकी कॉम्प्लीमेंट की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, और ये जो चैप्टर है वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है.